हम आए जी वसीम साहब को कुछ जुब्बे देखने थे अपने लिए, मुझे भी देख। हाँ जी, वेलकम बैक टू द चैनल। उम्मीद करता हूँ कि रात आपकी सही निकली होगी। यार सुबह ऊपर व्लॉग नहीं कर सकते क्योंकि लाइट नहीं थी, तो इस वक्त सुबह के जो है ना वो 5:30 सॉरी। तो हम जा रहे हैं जी दिल्ली, गाड़ी क्या पता इंतज़ार कर रही होगी या गई होगी, तो वो आगे पता चलेगा। फिलहाल हम निकल रहे हैं जी खान साहब के घर से। लेट काफ़ी ज़्यादा हुआ, हमें 6:30 वहाँ पहुँचना चाहिए था, 6:30 तो इस वक्त बज रहे हैं, तो देखते हैं आगे। जो ये टिकट विकेट निकलता है ना, ये जो देवबंद से निज़ामुद्दीन बस जाती है, तो इनको हमने कॉल की, बोल रहे हैं कि 3 मिनट में पहुँच जाओ मस्जिद रशीदिया के पास, क्योंकि गाड़ी वहीं पर मिलेगी आपको, गाड़ी वहीं से निकलती है निज़ामुद्दीन। हमें सीधा निज़ामुद्दीन जाना है देवबंद से, तो देखते हैं आगे। ये टेम्पो है, ये जाएगी दिल्ली निज़ामुद्दीन। यार बस निकलने वाली है, हम भी 1 मिनट से थोड़ा बहुत हम जल्दी पहुँचे, वरना हमें यहीं रहना था। हाँ जी, तो नाश्ता हो गया, हम अभी मुजफ्फरनगर में ठहरे हुए हैं, अभी तकरीबन 60 किलोमीटर का फासला है। तो खाने में यहाँ पे ये हलीम चावल बनाते थे, लेकिन मन नहीं किया यार खाने का, सुबह यार थोड़ा मुश्किल होता है गोश्त वगैरह लेना, तो चाय से ही काम निपटाना पड़ा। अभी आधे लोग जो है वो नाश्ता कर ही रहे हैं, शोर बहुत ज़्यादा है यहाँ पर, मुझे नहीं पता मेरी आवाज़ आपको आ रही होगी अच्छी तरह से या नहीं आ रही होगी। फिलहाल अभी 8-10 मिनट तक हम भी यहाँ से निकल जाएंगे, अभी 1 घंटे का सफ़र है, तो हम दिल्ली पहुंच जाएंगे 1 घंटे में तकरीबन। ये हमारी टेम्पो, ये वाली। तो हाँ जी, मैं हूँ जी दिल्ली में, बिल्कुल निज़ामुद्दीन मरकज़ के बहुत करीब हम पहुँच रहे हैं। तो अभी यार पहली फीलिंग दिल्ली आने की, थोड़ा बहुत एक्साइटमेंट होती है ज़्यादा। ये निज़ामुद्दीन, वाह। ये है जी मेन एंट्री निज़ामुद्दीन मरकज़ के। जाने पड़ेंगे जब कि माँ बाप उठी जाए, देख देख माँ बाप को देख के खान साहब माफी
बिल्कुल निज़ामुद्दीन के बगल में एक ज़ियारत शरीफ है, हम वहीं पे आए हैं। यहाँ पे कुछ सारा डिफरेंट लग रहा है। यार यहाँ पे ना सारा कुछ डिफरेंट लग रहा है, कुछ समझ नहीं आ रहा है क्या कह रहे हैं यार। टोटली डिफरेंट है यार, तजुब में बंदा पड़ गया। अभी बाहर निकलना चाहता था लेकिन निकलना ही नहीं बनता है, देखते हैं। अबे यार मुश्किल से जान बच गई है, मुश्किल से मैं बह रहा है। ये है जी गालिब एकेडमी, यहाँ पे माशाअल्लाह। अस्सलाम वालेकुम, दिखा दो। हाँ भाई, कितने खूबसूरत सदरिया यहाँ पे है। हमें जुब्बा लेना है, ब्लैक हेज का 38 दियो। नीचे में पहले ट्राई कर ले डिस्प्ले में। हम आए जी वसीम साहब को कुछ जुब्बे देखने थे अपने लिए, मुझे भी देखने थे, लेकिन यहाँ पे रेट सही लग रही है। जुब्बू में कम से कम 50% फर्क आ जाती है देवबंद से यहाँ पे, तो ये चीज़ आपको देखनी पड़ेगी। देखिए फ़र्क क्या होती है, जहाँ पहले गए थे ना वहाँ ज़्यादा दिल नहीं किया बैठने को, लेकिन यहाँ पे दिल कहता है इस वाली गली में कि नहीं थोड़ा बहुत रुको देखो एक्सप्लोर करो। तो ये फ़र्क है माहौल की, तो देखिए। तो हाँ जी वापस जा रहे हैं यहाँ से फिलहाल थोड़ा आगे की तरफ। सोचा जब यहाँ बच्चे जाएंगे तो अभी वो प्लान ये बना, देखेंगे अगले व्लॉग में। फिलहाल इस व्लॉग में इतना ही रखते हैं। उम्मीद करता हूँ कि किसी भी वजह से आपने व्लॉग जो है अच्छी तरह से एंजॉय किया है। किसी दूसरे व्लॉग में मिलते हैं। अगर इससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जाके प्लीज़ सब्सक्राइब करो। किसी दूसरे व्लॉग में मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।